हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज फिफ्थ, टू, यूनिट फिफ्थ, एक्सरसाइज 5.2, FA2। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए स्टूडेंट ध्यान से। ये क्वेश्चन हमने जो ऐड वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट उसमें भी कराए थे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है स्टूडेंट, 27,025 फ्रॉम, हमने बताता जिसमें फ्रॉम आएगा स्टूडेंट उसमें बाद वाली नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जो बाद वाला है फ्रॉम 1,05,000 इसमें से आपको ये पहले वाला नंबर माइनस करना, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लास्ट की प्लेस है वहाँ तक के 1 स्टैंड डाल लेंगे आप, 1,00,000, 10,000,000, 10,00,000। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या लिखा है, फ्रॉम 1,00,000, लैक कहाँ है जी, ये रहा, तो लैक के नीचे 1 लिख लेंगे, 1,05,000, 100 कहाँ है, ये रहा, 100 के नीचे 5 लिख लेंगे, 500। अब स्टूडेंट ये भी बोले नहीं गए तो यहाँ पे भी 0 आ जाएंगे, ठीक है जी। इस प्रकार आपको डिजिट लिखनी है, पहले जो ये वर्ड्स में दे रखा है स्टूडेंट इसे आपको न्यूमरल में लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करना है। अब क्या है जी, 27,000, 27 दोनों थाउजेंड है स्टूडेंट, थाउजेंड ये रहे, 27,025 अभी स्पेस खाली है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन बन गया, जो हमें वर्ड्स में दे रखे थे उन्हें हमने न्यूमरल में चेंज कर लिया स्टूडेंट, अभी ना हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। हमेशा याद रखें, देखो ये लैक पे है, इसकी थाउजेंड है ना, ये नहीं ये देखना कि जिसकी प्लेस बड़ी होती है वही नंबर बड़ा होता है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर से 5 से 1 के ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ 10 हो गए, और यहाँ भी इधर से भी 1 के ले लेंगे, यहाँ पे भी 10 हो गए, और यहाँ कितने रह गए, 4 है ना, तो स्टूडेंट 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ कितने रह गए थे, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ रह गए 4 स्टूडेंट, यहाँ 100 बोला नहीं गया था, यहाँ भी 1 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 4 के 4, ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ 7 है, 0 है ऊपर, नीचे 7 है, 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, तो इसी प्रकार एक के लिए इधर लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, फिर इधर से यहाँ लेंगे, यहाँ भी 10 हो जाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे 0 रह जाएगा क्योंकि यहाँ 1 थे, 1 ही इधर चला गया, ठीक है जी। तो ये 10 हो गए, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ 9 यहाँ पे 9 रह गए, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 0 है स्टूडेंट, 0 में 0 गए 0, ठीक है जी। अब आप इसके आंसर की जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 5,5,10 की 0 कैरी 1, और 7,2,9,1,10 carry 1, 4,1,5, 7,3,10 carry 1, 7,2,9,1,10 carry 1, 0,1,1। तो स्टूडेंट देखा ये हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बी, ठीक है जी। तो इसमें भी इसमें क्या दिया, 96,909
फ्रॉम 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, 1 स्टैंड डाल लेंगे, 1s, 100s, 1000s, 10000 और ये लाख होगा, ठीक है जी। 1 लाख, लाख के नीचे 1 आ गया और कोई भी नहीं है ना, 100 है ना, 1000 है, कुछ भी नहीं रीड हो रहा। तो स्टूडेंट इन सब की 0 ऐड कर दें। अब क्या माइनस करना, 96,000, ये 90 और ये 6, 96 दोनों 1000 है, इनके ऊपर 1000 लिख रहा, 909। स्टूडेंट 10 का प्लेस नहीं रीड हुआ, अब माइनस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ आएगा फिर यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है जी। इन सब जगह 99 बच जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा स्टूडेंट। 10 में से इधर चला गया 9 रहेगा, यहाँ इधर चला गया फिर यहाँ 9 रहेगा, इधर चला गया फिर यहाँ पे 9 रहेगा, इधर चला गया फिर यहाँ पे 9 रहेगा, और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ कितने स्टूडेंट 9, तो 9 के 9, और यहाँ भी 9 है, 9 में से 9 गए 0, यहाँ भी 9 है, 9 में से 6 माइनस कर दिया 3, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ स्टूडेंट 1 था इधर चला गया, तो यहाँ भी 0, ठीक है जी। आप चेक कर लीजिए, 9, 1, 10, carry 1, 9, 1, 10, carry 1, 9, 1, 10, carry 1, 6 और 3, 9 और 1, 10, carry 1, 9 और 1, 10, carry 1, 0, 1, 1, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, सबट्रैक्ट, ये भी माइनस करना, 4,62,583। अब इसे कहीं में से माइनस करना, फ्रॉम है बाद वाली डिजिट में से पहले वाली माइनस करेंगे, 6,40,002। तो स्टूडेंट 6 लाख है, लाख तक के 1 स्टैंड डाल लेंगे, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s और लाख, ठीक है जी। 6 लाख है तो लाख के नीचे 6 लिख देंगे, 6,40,000, 40,000 और जी 2, तो ये 100 और 10 प्लेस नहीं आई, इनकी 0 लगा देंगे, और 4,62,583, देखिए स्टूडेंट यहाँ 2 है, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ पे भी कैरी नहीं है, तो हम यहाँ 4 से लेंगे, 4 से यहाँ हमने ले लिए, एक 10 ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ कितने रह गए, यहाँ पे 3 रह गए, अब यहाँ पे 10 हो गए, 10 से हमने एक इधर दे दिया, तो यहाँ 9 रह गए, है ना स्टूडेंट, अब यहाँ भी 10 हो गए, 10 में से हमने एक इधर दे दिया, यहाँ भी 9 रह गए, अब स्टूडेंट यहाँ भी 10 हो गए, 10 में से हमने एक इधर दे दिया, तो यहाँ भी 9 रह गए, और यहाँ कितने हो गए 10, ठीक है जी। याद रखें, अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 हो गया, 2 पहले से ही थे आपके पास, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, 10 तो इधर से है, 2 पहले से ही आपके पास, 12 हो गई। अब 12 में से आपको 3 माइनस करना, ओके स्टूडेंट, अब आप 3 से आगे 12 तक काउंट कर लीजिए, या फिर लाइन खींच लीजिए ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे 3 से आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब काउंट कर लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, तो स्टूडेंट 9 आ गया। अब 9 में से 8 माइनस कर दिया 1, और 9 में से 5 माइनस कर दिए 4, और 9 में से 2 माइनस कर दिए 7, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ 3 रह गए थे, इधर से तो कैरी गया था ना, यहाँ 6 है, 6 3 में से 6 माइनस नहीं होने के, तो एक कैरी इधर चला गया, यहाँ 13 हो गया, ओके स्टूडेंट। अब 13 में से 6 माइनस कर दीजिए आप, 7 बच जाएगा। अब स्टूडेंट इधर चला गया था, यहाँ भी 5 रह गए,
है ना, फाइव में से फोर गए वन। अब आप अपने आंसर की जांच करके देख लीजिए, नाइन और थ्री ट्वेल्व यानी वन, एट और वन नाइन और वन टेन, फाइव और फोर नाइन और वन टेन कैरी वन, सेवन टू नाइन और वन टेन कैरी वन, सिक्स और वन सेवन 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 फोर्टीन कैरी वन, फोर और वन फाइव और वन सिक्स। तो ठीक है जी, तो इस प्रकार आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब डी वाला क्वेश्चन, 28,736 को माइनस करना है फ्रॉम माइनस से, कहीं में से स्टूडेंट माइनस करना है 32,720 में से। तो स्टूडेंट ये क्या है 32,000, ठीक है जी, तो 1000 तक के वन स्टैंड डालने, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो 32,000, थाउजेंड के नीचे 32 लिख लिया, 700, हंड्रेड के नीचे 7 लिख लिया, 20 लिख लिया। अब 28,000 होगा, 700 है 736, अब स्टूडेंट यहाँ पे जीरो है, जीरो में से सिक्स माइनस नहीं होने गए, तो एक कैरी इधर से ले लिए, यहाँ पे टेन हो गया और यहाँ वन रह गए, है ना, टेन में से आपने सिक्स माइनस कर दिए फोर, और यहाँ वन है, वन में से थ्री नहीं माइनस कर सकते, तो एक कैरी इधर से ले लेंगे, तो यहाँ कितने हो गए अलेवन। ओके स्टूडेंट, अब अलेवन में से हमने थ्री माइनस कर दिया, तो कितने बचेंगे एट, और यहाँ कितने रह गए सिक्स, सिक्स में से स्टूडेंट सेवन नहीं जाने के, तो हमने एक कैरी इधर से ले लिया, यहाँ कितने रह गए वन, और जी सिक्सटी में से सेवन माइनस कर दिया नाइन, अब यहाँ वन है, वन में से एट माइनस नहीं होने के, एक कैरी आपने इधर से ले लिया, तो यहाँ कितने हो गए जी अलेवन, अलेवन में से हमने एट माइनस कर दिया स्टूडेंट, कितने बचे थ्री, अब यहाँ रह गए थे जी टू आपके पास, टू में से टू माइनस कर दिया जीरो। अब ऐड करके देख लीजिए, चेक कर लेंगे, सिक्स और फोर टेन कैरी वन, और थ्री और वन फोर और एट ट्वेल्व कैरी वन, नाइन वन टेन और सेवन सेवनटीन कैरी वन, और जी थ्री और वन फोर और एट ट्वेल्व कैरी वन, और जीरो और वन थ्री। ओके क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर टू सबट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर टू सबट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट देखिए, ये आपको पहले ही कॉलम में रेंज है ना, अब आपको इन्हें सिर्फ माइनस माइनस करना है स्टूडेंट, यहाँ कितना है टू, टू में से थ्री माइनस नहीं होने के, माइनस करने के लिए हमेशा ऊपर बड़ी डिजिट होनी चाहिए, नीचे छोटी होनी चाहिए, ठीक है जी, तो यहाँ पे टू है, टू में से थ्री माइनस नहीं होने का, तो जो पास वाली डिजिट होती है उससे एक कैरी ले लेता है, एक डिजिट उधार ले लेता है, तो स्टूडेंट एक टेन इधर आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, टेन इधर आ गया, टू ये थे ट्वेल्व हो गए, है जी, अब ट्वेल्व में से आपको थ्री माइनस करना, थ्री से आगे आप ट्वेल्व तक काउंट कर लीजिए, थ्री से आगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, अब इन्हें काउंट कर लीजिए, थ्री थ्री सिक्स और थ्री नाइन, तो इतने कितने हो गए स्टूडेंट नाइन। अगर स्टूडेंट ऊपर कोई भी डिजिट, नीचे उससे जस्ट नेक्स्ट वाली डिजिट हो, तो हमेशा माइनस करने के बाद नाइन ही बचेगा, ध्यान रखें, अगर ऊपर छोटी डिजिट है और नीचे उससे बड़े वाली डिजिट है, यानी कि उससे नेक्स्ट डिजिट है अगली, हाँ जी सक्सेस है, तो हमेशा नाइन ही बचेगा, ध्यान रखें। अब यहाँ कितने रह गए थे थ्री, अब थ्री में से सिक्स माइनस नहीं होने के बाद इधर से ले लिए, यहाँ थर्टीन हो गए, यहाँ सेवन रह गए, हाँ जी थर्टीन में से हमने सिक्स माइनस कर दिया, तो कितने बचे फोर्टीन, फोर सेवन बच गए स्टूडेंट, अब सेवन में से सेवन माइनस कर दिया जीरो, अब थ्री में से फाइव माइनस नहीं होने गए, तो स्टूडेंट यहाँ थर्टीन हो गए और यहाँ फोर रह गए, क्योंकि हमने एक इधर ले लिया। अब स्टूडेंट
13 में से 5 माइनस कर लीजिए 8 आएंगे और 4 में से 4 गए 0। आप इन्हें चेक कर सकते हैं 9 और 3 12 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 7 14 कैरी 1, 7 और 1 8 और 8 और 5 13 कैरी 1 और 4 और 1 5। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा, साथ के साथ चेक हो रहा है। अब स्टूडेंट किसी भी संख्या में से अगर हम 0 माइनस करें तो आंसर 04 ही आएगा, वही डिजिट आती है ऐसे ही। ठीक है जी, ऊपर 0 है, 0 में से 9 नहीं माइनस हो सकते, तो इधर से 1 के ले लिए, यहाँ 10 हो गए और यहाँ 7 रह गए, 10 में से 9 गए 1 और 7 में से 9 नहीं जा सकता, हमने एक इधर से के लिए यहाँ 1 हो गए, यहाँ 2 रह गए जी, है ना। तो स्टूडेंट हम 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो स्टूडेंट आप काउंट करके देख सकते हैं, 9 से आगे 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 3 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 8 बच गई। अब यहाँ कितना है 2, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 1 के लिए इधर चला गया स्टूडेंट, यहाँ 12 हो गए और यहाँ 3 रह गए। ठीक है जी, अब 12 में से आपको 5 माइनस करना, तो यहाँ 7 रहेंगे, या चाहे तो आप लाइन ड्रॉ करके भी देख कर सकते हैं, और 3 में से 3 गए 0 0 4 4 9 1 10 कैरी 1 9 1 10 और 8 18 कैरी 1। स्टूडेंट कितने 5 और 1 6 6 और 7 13 कैरी 1 और 3 1 4, तो ठीक हो गया है। अब यहाँ एक 0 ऐड कर लेंगे, यहाँ 8 है, ऊपर 0 है, 0 में से 8 माइनस नहीं होने के, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। स्टूडेंट 8 से आगे 10 तक काउंट कर लो, 9 10 2 आ गए, 2 लाइन ड्रा हुई तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 0 माइनस कर दिया तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 है तो स्टूडेंट यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 और 10 में से 9 गए 1 और 5 में से 7 नहीं जा सकते, तो 1 के लिए इधर चला गया, यहाँ पे 15 हो गया। ओके स्टूडेंट 15 में से 7 माइनस कर दिया 8 आ गया और यहाँ पे रह गए 2, तो 2 के 2। अब चेक कर लीजिए अपने आंसर की जांच कर लीजिए, ठीक है या गलत है। 9 1 10 कैरी 1, 1 1 2 कैरी 1, 9 1 10 स्टूडेंट ये गलत हो गया है, है ना। देखिए जांच चेक इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कोई मिस्टेक हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज आपको एक मिस्टेक मिली है यहाँ पे, है ना। तो आपने स्टूडेंट इस इधर दे दिया गया था तो यहाँ 1 रह गए थे, 1 के 1 ही रह गए स्टूडेंट, यहाँ पे 10 है, 10 में से आपने 9 अच्छा 9 और 1 10 10 की 0 कैरी 1, इधर से आपने सोच लिया स्टूडेंट इधर से कैरी आ गया, है ना। तो जी 10 7 और 1 8 8 8 16 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, ठीक हो गया, ठीक था स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन कॉलम एंड देन सबट्रैक्ट। स्टूडेंट आपको इन्हें क्या करना है, पहले तो कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद इन्हें माइनस करना है, ठीक है जी। देखिए इसमें फ्रॉम दिया हुआ है, फ्रॉम का मतलब होता है बाद वाली डिजिट में से पहले वाली डिजिट माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो कर लीजिए 9 0 0 5 2 9 6 3 3 5। ओके, अब ये माइनस करना, देखिए 2 में से 9 माइनस नहीं होने के तो यहाँ 12 हो जाएगा,
और यहाँ पे 4 रह जाएगा, 1 कैरी इधर से ले लेना आपने। अब 9 से आगे काउंट कर लीजिए, 10, 11, 12, तो 3 आ गए। अब 4 में से 16 जाने का, तो 1 कैरी इधर से ले लिया स्टूडेंट, 9 से, 9 से यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ लिया और यहाँ पे से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 8 रह गया स्टूडेंट। यहाँ 10 हो गए थे, यहाँ 9 रह गए स्टूडेंट, यहाँ भी 10 हो गए थे, यहाँ भी 9 रह गए, एक इधर दे दिया, तो 6 आ गए। आप काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ 8 बच जाएगा, ठीक है, और 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6, और 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6, 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3। अब आप इसे चेक कर लीजिए, ओके स्टूडेंट, 9 और 3 12 कैरी 1, 8 और 1 9 और 6 15 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1, और जी 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसमें माइनस का चिन्ह दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सी डिजिट में से माइनस करें, आप कंफ्यूज हो सकता है कि भाई बाद वाले में से करें या पहले वाले में से करें, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रॉम था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले ये नंबर के इस डिजिट नंबर में कितनी डिजिट है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो पहले वाली डिजिट बड़ी है, जो नंबर है पहले वाला ये बड़ा है, तो इसमें से ये बात वाली माइनस होगी स्टूडेंट, 8 5 9 0 5 7 9 9 9, यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है जी। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 15 हो जाएंगे स्टूडेंट, एक कैरी इधर से ले लिया, यहाँ 8 रह गए, यहाँ 10 हो गए थे, यहाँ 9 रह गए, ठीक है जी। 15 में से 7 गए 8, और 9 में से 9 गए 0, 8 में से 9 जाने के, कैरी इधर से ले लिए, यहाँ 4 रह गए, यहाँ 18 हो गए, 18 में से 9 गए 9, और 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ 14 हो जाएंगे, यहाँ 7 रह जाएंगे, ओके स्टूडेंट। और जी अब हम 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 रह जाएगा, अब यहाँ 7 है, 7 में से 0 गए, 7 ही रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें फ्रॉम दे रखा, तो पहले बाद वाली में से पहले वाली माइनस होगी, 2 2 1 0 0, 9 8 8 9, और यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ एक जीरो ऐड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 9 रह गए यार, यहाँ पे रह गए 0, ठीक है जी। अब 9 में से 8 माइनस कर दिया, 1 रह गया। अब स्टूडेंट 0 में से 8 नहीं जाने के, इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 1 रह गया, 1 इधर से कैरी ले लिया, तो स्टूडेंट यहाँ 9 माइनस कर दिए, 2 ही बचेंगे आपको, और यहाँ रह गए थे जी 1, और 1 में से 0 गए, 1 ही बचे, ठीक है जी। आप आंसर को चेक कर लीजिए, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1, 9 1 10 और 2 12 कैरी 1, और 1 1 2, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका डी, स्टूडेंट यहाँ भी माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों नंबर में 6 डिजिट हैं, तो लास्ट की मैच कीजिए, ये 5 है ये 4 है, तो 5 वाली बड़ी है, तो स्टूडेंट पहले वाली डिजिट में से दूसरी माइनस होगी, 5 8 7 0 3 4 7 2 4 5 9 4, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ 14 हो गए, 14 में से 7 माइनस कर दिया, 7 बच गए। अब स्टूडेंट यहाँ 2 रह गए थे, 2 में से 2 माइनस करा 0, अब एक ही कैरी इधर से आ गया जी, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ रह गए थे स्टूडेंट 6, 6 में से 5 माइनस कर दिया 1, ठीक है जी। यहाँ 8 है स्टूडेंट, यहाँ 1 के ले लिया, 18 हो गए, 18 में से 9 गए 9, अब यहाँ पे 4 रह गए थे, 4 में से 4 गए 0, ओके स्टूडेंट। आप इन्हें
चेक कर सकते हैं अपने आप, रफ कॉपी पे करके चेक कर लीजिए। ठीक है जी, अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो स्टूडेंट दोनों में 6 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है। तो स्टूडेंट ये वाली बड़ी है 3 वाली, 3 6 2 4 3 2 5 3 8 2 9 2 कर लीजिए माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे 12 हो जाएंगे, और 12 में से आपने 5 माइनस करना है तो कितने बच जाएंगे स्टूडेंट, 7। अब यहाँ रह गए 2, 2 में से 3 जाने के 1 के लिए 10 ले लिया स्टूडेंट, यहाँ 12 हो गए, यहाँ पे 3 रह गए है ना। अब 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 9 रह गया है ना। अब स्टूडेंट 3 में से 8 माइनस नहीं होने के, इधर से 1 के ले लिया, यहाँ 1 रह गए है ना। तो स्टूडेंट तो 13 में से 8 माइनस कर दिया, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, 1 में से 2 माइनस नहीं होने के, कैरी इधर से ले लिया, यहाँ पे 5 रह गए, यहाँ 11 हो गए स्टूडेंट है ना। अगर हम 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 अब बचेंगे आपके पास। अब 5 में से 9 नहीं जाने के, कैरी इधर से ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 रह गए है ना। तो अगर हम 15 में से 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 6 आपको मिलेगा, और 2 में से 2 गए 0। ठीक है जी, तो आप इनके इन्हें दोनों को ऐड करके आंसर की जांच कर सकते हैं आपने। 1 2 3 4 5 6 1 2 ये भी 6 है स्टूडेंट, ये भी 6 है, 5 है तो ये बड़ा है, 5 2 7 6 4 3 2 3 9 6 9 4 अब माइनस कर लीजिए, 3 में से 2 माइनस किए 1, 4 में से 3 माइनस किए 1, अब 6 में से 9 माइनस नहीं होने के स्टूडेंट, यहाँ 16 हो गए और यहाँ 6 रह जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर 16 में से हमने 9 माइनस किए तो 7 बचेगा आपके पास, 6 में से 6 गए 0, अब यहाँ 2 है, 2 में से 9 माइनस नहीं होने के, तो स्टूडेंट एक कैरी इधर से ले लिए, यहाँ 4 रह गए है ना। अब जी 12 में से 9 माइनस कर दिया जी 3, और 4 में से 4 गए 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ। तो स्टूडेंट इनमें भी आपको डिफरेंस बताना है, लेकिन इसमें फॉर्म नहीं दिया हुआ, आपको ये देखना होगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि हम बड़ी डिजिट को ऊपर लिखते हैं छोटी को नीचे लिखते हैं तभी माइनस होता है, और बड़ी डिजिट वही होती है जिसकी प्लेस सबसे बड़ी होती है लास्ट में। ठीक है जी, अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करना है स्टूडेंट, जिसमें कम डिजिट है वही छोटी होगी, अगर इक्वल है तो लास्ट वाली डिजिट मैच कर लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, तो 7 बड़ा है, तो इस वाले में से माइनस करेंगे पहले वाले को, 7 6 8 7 4 7 2 4 0 5 तो स्टूडेंट जो लास्ट में बड़ा होता है वही बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ हो गए 4, 4 में से 7 नहीं जाने के, 1 कैरी 10 ले लिया, 14 हो गए, 14 में 7 माइनस कर दिए, 7 बच गए जी। अब यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 माइनस कर दिए 4, और 8 में से 4 माइनस कर दिए 4, और 6 में से 0 गए तो 0 ही 6 ही बचेंगे। अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा वही नंबर बचता है। अब 7 में से 5 माइनस कर दिया 2, अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब स्टूडेंट दोनों में 6 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यही बड़ी है, 2 0 1 2 7 5 3 1 6
4, 0, 1। 5 में से 3 माइनस कर दिए 2, 7 में से 1 माइनस कर दिया 6। अब यहाँ पे 12 हो गए स्टूडेंट, 2 में से 6 नहीं जाने के 1 के लिए 10 ले लिया, तो यहाँ 0 रहेगी, 6 12 में से 6 माइनस कर दिए 6 रह गए। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो इधर से कैरी लेंगे, इसके पास नहीं है तो 2 से लेंगे, 2 से यहाँ पे 10 हो जाएंगे, और यहाँ 1 कैरी इधर चला जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएंगे और यहाँ भी 1 ही रहेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 4 माइनस कर दिए 6, और 9 में से 0 माइनस कर दिए 9, अब 1 में से माइनस 1 माइनस कर दिए जी 0, ठीक है। आप इनके इन्हें चेक कर सकते हैं जोड़ के, जैसे 3 2 5, 6 और 1 7, 6 6 2 12, कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, कैरी 1, 9 1 10, कैरी 1, 1 1 2, ठीक है जी बिल्कुल। अब 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 है, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, तो बाद वाली बड़ी है, तो स्टूडेंट देखिए ये सब 0 हैं, तो 5 से कैरी लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि 0 में से 3 माइनस नहीं होने के, तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है जी। 10 में से 3 माइनस कर दीजिए 7, और 9 में से 0 माइनस कर दीजिए 9, और 9 में से 6 माइनस कर दिए 3, और 4 में से 1 माइनस कर दिए 3। अब स्टूडेंट यहाँ 0 है, 0 में से 5 जाने के, तो 2 पर से 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ भी 10 हो जाएंगे और इधर 1 रह जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और 1 में से 1 माइनस कर दिया 0। ओके स्टूडेंट, डी 1 2 3 4 5 6, 6 है स्टूडेंट, और 6 ही इसमें है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो 7 वाली बड़ी होगी, 7 3 0 9 9 0 4 6, जीरो 4 6 5 2 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही रहेगा, 9 में से 4 गए 5 बचेगा आपके पास, 9 में से 6 गए 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 है तो 1 कैरी इधर से ले लिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचे, अब यहाँ रह गए थे 2, 1 कैरी इधर चला गया था, 2 में से 2 माइनस कर दिया 0, और 7 में से 2 माइनस कर दिया जी 5। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 है स्टूडेंट, ये भी 6 है, इसकी लास्ट में 3 है और ये 2 है, तो 3 वाली बड़ी होगी, तो स्टूडेंट देखिए सभी 0 है, तो 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 और ये 4, ठीक है जी। 10 में से आपने 3 माइनस कर दिया 7 बच गया, और 9 में से 0 माइनस करे तो 9 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब 9 में से 6 माइनस कर दिया 3, और 4 में से 1 कर दिया जी 3, और यहाँ भी 10 होगा, 10 में से 5 माइनस किया 5, अब यहाँ पे 2 रहेगा था स्टूडेंट, 2 में से 1 के 1। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है स्टूडेंट, ये वाले 6 नंबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का,
तो स्टूडेंट सिक्स वाले पर जाते हैं। तो एक स्पेस ये कुछ भी नहीं, यहाँ जीरो ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमें जीरो में से टू माइनस करना, तो स्टूडेंट यही सिक्स पे ही है, बाकी सब जीरो है, जीरो से तो हमें कुछ मिल नहीं सकता। तो हम यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ टेन आ जाएंगे स्टूडेंट, और बाकी सब जगह नाइन नाइन रह जाएंगे। अब यहाँ पे रह गए फाइव, फाइव में से वन कैरी यहाँ दिया था, तो स्टूडेंट यहाँ टेन हो गए, टेन में से वन इधर दे दिए, यहाँ नाइन रह गए, फिर यहाँ भी टेन हो गए, टेन में से वन इधर दे दिए, यहाँ भी नाइन रह गए, और यहाँ भी टेन में से वन इधर दे दिए, यहाँ भी नाइन रह गए, और जी यहाँ भी टेन थे, टेन में से टेन इधर दे दिया और यहाँ पे नाइन रह गए। ठीक है जी, अब टेन में से टू माइनस कर दिया एट, और नाइन में से थ्री माइनस कर दिया जी सिक्स, नाइन में से जीरो माइनस कर दिया नाइन, नाइन में से फोर माइनस कर दिया जी फाइव, और नाइन में से सेवन माइनस किए टू, और फाइव में से जीरो माइनस किए फाइव। ओके सर, तो ये क्वेश्चन भी आपका फोर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर आप फाइव है जी। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द डिफरेंस। स्टूडेंट आपको इसका डिफरेंस ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना। तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों में ए बी सी डी सभी में आपको मैन्यूट दे रखे और सब्ट्रैक्ट दे रखी। तो स्टूडेंट आपको ये नहीं बताया उसने आपको कौन से में से कौन सा माइनस करना है। तो स्टूडेंट देखिए जो मैन्यूट होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, सब्ट्रैक्ट जो माइनस की जाती है वो वाली डिजिट होती है, डिफरेंस वो होता है जो मैन्यूट में से सब्ट्रैक्ट को माइनस करके आंसर आता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब सब में मैन्यूट ऊपर लिखा जाएगा और सब्ट्रैक्ट नीचे लिखा जाएगा, अब इन्हें माइनस कर देंगे जी। तो हमने इन्हें ऐसे लिख दिया पहले ही, ठीक है, अब आपको इन्हें माइनस माइनस करना है, मैन्यूट सब्ट्रैक्ट और ये डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट, आप लिख भी सकते हैं यहाँ डिफरेंस। जो भी आएगा माइनस करने के बाद वो डिफरेंस बचेगा आपका अंतर। थ्री में से टू माइनस किए वन, फोर में से फोर गए जी जीरो, एट में से जीरो गए एट, और सेवन में से थ्री माइनस कर दिए फोर, और सिक्स में से नाइन नहीं जाने का तो यहाँ पे सिक्सटीन हो जाएगा, और सिक्सटीन में से आप नाइन माइनस करेंगे तो स्टूडेंट सेवन बचेगा आपके पास। ठीक है जी, आप यहाँ पे रह गए थ्री, थ्री में से टू माइनस कर देंगे वन। ओके स्टूडेंट, अब इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सब जगह डिफरेंस लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा है। अब सिक्स में सिक्स माइनस किए जीरो, अब यहाँ पे ट्वेल्व हो गए, ट्वेल्व में से आपने सेवन माइनस कर दिया स्टूडेंट, क्या बचेगा फाइव। अब स्टूडेंट वन के लिए इधर ले लिया था ना यहाँ से, तो यहाँ पे थ्री रह गए, यहाँ पे टेन हो गए थे स्टूडेंट, अब टेन में से एक टेन इधर चला गया, यहाँ नाइन रह गए। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक इधर चला गया था तो यहाँ भी नाइन रह गई। ठीक है जी, अब नाइन में से नाइन माइनस कर लिए जीरो, नाइन में से फोर माइनस कर दिए फाइव, और जी यहाँ तक थ्री है, थ्री में से एट माइनस नहीं होने के यहाँ थर्टीन हो जाएंगे जी, यहाँ फोर रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट थर्टीन में से एट माइनस कर दिए स्टूडेंट, यहाँ भी फाइव रहेगा, अब टू फोर में से टू माइनस कर दिए टू। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट यहाँ डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस। तो स्टूडेंट इन्हें चेक करके देख लेते हैं, चलो जीरो सिक्स सिक्स सेवन आर जी फाइव ट्वेल्व कैरी वन, नाइन आर वन टेन कैरी वन, फाइव फोर नाइन आर वन टेन कैरी वन, फाइव आर वन सिक्स आर एट फोर्टीन कैरी वन, टू टू फोर आर वन फाइव। तो ठीक है जी,
अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लिख लीजिए, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस। अब स्टूडेंट ये जीरो है, जीरो में से नाइन माइनस नहीं होने का, यहाँ पे टेन हो जाएंगे, टेन में से नाइन गए वन, अब यहाँ पे वन इधर चला गया तो यहाँ थ्री रह गया, थ्री में से थ्री गए जीरो। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ जीरो है, जीरो में से सिक्स माइनस नहीं कर सकते आप, तो फाइव पर से वन के ले लेंगे, यहाँ पे टेन हो जाएगा तो वन इधर चला गया तो यहाँ फोर रह गया जी, और टेन में से सिक्स माइनस कर दिया यहाँ पे फोर, और फोर्टीन में से एट माइनस नहीं होने का तो स्टूडेंट थ्री पे से लेंगे तो यहाँ टेन हो जाएगा, यहाँ टू रह जाएगा, यहाँ फोर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन में से एट गए सिक्स और टेन में से तो स्टूडेंट यहाँ पे नाइन रह गया था, नाइन में से नाइन गए जीरो, अब टू में से जीरो माइनस कर दी टू, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर डी, तो यहाँ पे डिफरेंस लिख लेंगे जी, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस, ये सिक्स है, सिक्स में से टू माइनस कर दो जी फोर, सेवन में से सेवन माइनस किया जीरो, एट नाइन में से एट माइनस किया वन, एट में से नाइन माइनस नहीं हो सकते तो इधर से कैरी ले लेंगे, यहाँ एटीन हो जाएगा, यहाँ सिक्स रह जाएंगे तो 18 में से 9 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा, और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। ओके स्टूडेंट, अब 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए आपको, ये सभी ब्लैंक्स हैं आप बुक में देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई डिजिट फिल करनी है, तो स्टूडेंट ये डिजिट फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। देखिए जो सबसे ऊपर वाली डिजिट होती है, ये वाला जो नंबर होता है पूरा, ये जो पूरा नंबर होता है इसे हम मैन्यूड बोलते हैं, ठीक है जी। इन सब इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, जो ऊपरली होती है मैन्यूड, और जो इसके नीचे होती है जिसमें से जिसे हम माइनस करते हैं मैन्यूड में से, ये जो नीचे लिखी होती है इसे हम माइनस करते हैं, इसे हम सब ट्रेड बोलते हैं, ठीक है जी। और जो नीचे आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा उसे हम डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, जो ऊपर डिजिट रहेगी वो हमेशा मैन्यूड कहलाएगी जिसमें से हम माइनस करेंगे, जैसे नाइन हमारा यहाँ मैन्यूड है स्टूडेंट, अब सब ग्रेड हमारा थ्री है तो हम हमेशा नाइन में से थ्री माइनस करेंगे, यानी मैन्यूड में से सब ग्रेड को माइनस करेंगे, तो हमने नाइन में से थ्री माइनस कर दिया तो स्टूडेंट क्या आ गया, सिक्स आ गया, ठीक है जी। इनका आपस में क्या संबंध है ये आपको समझ लेना चाहिए रिलेशन। तो स्टूडेंट ये मैन्यूड है, ये सब ग्रेड है और ये डिफरेंस है, ठीक है। मान लीजिए अब आपको ये कह रहा है कि मैन्यूड निकालिए, आपको मैन्यूड नहीं दिया, आपको क्या दे दिया, सेपरेट दे दिया और डिफरेंस दे दिया, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या है, मैन्यूड इक्वल टू डिफरेंस प्लस सेपरेट, यानी कि आपको अगर मैन्यूड निकालना है, आपको ये नाइन निकालना, मान लीजिए ये दे दिया नाइन यहाँ आएगी और थ्री है और सिक्स है तो डिफरेंस है और ये है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर दी कर देंगे, थ्री और सिक्स नाइन। अगर ऊपर ली कोई भी डिजिट में कोई भी ब्लैंक्स हैं स्टूडेंट, आप उन दोनों को उसके डिफरेंस को और उसके सबट्रेड को ऐड करेंगे और ऊपरली डिजिट आ जाएगी। देखिए जैसे अभी ये नाइन आ गया था, नहीं नाइन ये सबट्रेड है, डिफरेंस है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो नाइन आ गए ना। तो स्टूडेंट अगर आपको सब ट्रेड निकालना, मान लीजिए नाइन भी है और ये नहीं है, पता ही नहीं भाई क्या माइनस किया है इसमें से नाइन में से हमने, है ना। अगर बीच वाली लाइन है उसमें कॉलम खाली है, जैसे ये वाला है खाली,
है ना। तो स्टूडेंट मैन्यूट में से हम डिफरेंस को माइनस करेंगे, तो 9 में से 6 गए 3। तो स्टूडेंट अगर माइनस के नीचे है तो ये तो आप माइनस करना, तो ये तो आप माइनस कर ही लेंगे। अगर ऊपर लिखा लाइन में कोई भी ब्लैंक्स है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर बीच वाली में लाइन में खाली स्थान है जैसे कि ये, तो आप मैन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करेंगे, सबसे ऊपर वाली में से सबसे नीचे वाली को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे, अब स्टूडेंट हमें मैन्यूट नहीं पता, यहाँ पता तो नहीं मैन्यूट कितना है, ये हमारा सब ग्रेड है और ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखिए 9 और 7 कितने हो गए, 16, कैरी 1, 9 1 10 और 3 13, कैरी 1, 9 1 10 और 5 15, कैरी 1। अब स्टूडेंट 7 और 2 9 और 1 10, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, ये आ गए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते स्टूडेंट, तो आप इन्हें दोनों को अलग लिख कर भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, 5 7 9 3 7, है ना, 9 9 5 2 2। तो स्टूडेंट आप ऐसे लिख के इन्हें ऐड करके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन होगा, अगर मैन्यूट में कोई भी ब्लैंक्स हैं यहाँ तो आप इन्हें इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ऊपर वाली में भी ब्लैंक है, नीचे भी है और आंसर भी है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आपको माइनस करना, आप माइनस करते हुए चलिए, देखिए यहाँ पे 12 है, ये तो सही है, लेकिन आप शुरू से ही करिए स्टूडेंट अपने तरीके से। 2 में से 5 माइनस नहीं होने के, तो स्टूडेंट हमने एक कैरी इधर से ले लिया, यहाँ 0 रहेगी और यहाँ रह गए हो गए 12 में से हमने 5 माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट यहाँ 7 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ 0 है, अब 0 में से हमें 2 माइनस करना है, 0 में से 2 तो नहीं जानेंगे स्टूडेंट, तो हमने 1 कैरी इधर से ले लिया, इस साइड से ले लिया, है ना। तो हमें यहाँ नहीं पता, लेकिन हमने इधर एक कैरी ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8 बच गए, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आप इन्हें ऐड करके देख लीजिए, है ना, 7 2 12 कैरी 1 और जी 8 और 1 9, 9 और 2 11 कैरी 1। अब स्टूडेंट यहाँ क्या रहेगा, कैरी 1 है 8, देखिए हमने कहा था इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा, तो जी 8 और 4 12 और 1 13, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है जी। अभी स्टूडेंट आपने 1 कैरी इधर दे दिया था, तो यहाँ कितने रह गए थे 2, है ना, 1 कैरी इधर दिया था ना 3 में से, तो यहाँ पे 2 रह गए। अब 2 में से 8 नहीं जानेंगे, माइनस नहीं हो सकते, तो आप इधर से 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ हो गए 12 में से 8 गए 4 आ गए, है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 0 है, 0 में से तो कुछ नहीं आने का, तो हम इधर से कैरी लेंगे, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएंगे। अब 1 इधर चला गया स्टूडेंट, यहाँ पे 9 रह गए, है ना, तो यहाँ 0 थी, 0 पे से तो कैरी नहीं आनेगा ना स्टूडेंट, इधर से ही आएगा, तो यहाँ कितने हो गए 6, 9 है, 9 में से 6 गए, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ जी क्या रह गया 8, है ना। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना, बीच वाली निकालनी, तो हमें 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। अब देख लीजिए, तो हमने
9 में से 6 माइनस कर दिया, 3 आ गए। अब स्टूडेंट 8 में से 3 माइनस कर दिया, देखो 5 अपना आप ही आ गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार था जी। आप इसे देख भी सकते हैं, चेक करके देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करके यही आंसर आ जाएगा, तो सही है वरना गलत है। देख लो 7 और 5 12 कैरी 1, और जी 8 और 2 10 कैरी 1 11 कैरी 1, और जी 8 और 4 12 और 1 13 कैरी 1, और 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1, और 5 और 3 8 और 1 9। तो स्टूडेंट ये माइनस का सवाल सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक्स है, तो स्टूडेंट यहाँ ब्लैंक्स है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैरी 1, अब स्टूडेंट देखिए 1 1 2 हो गए है ना। अब 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो हमें कहाँ तक जाना होगा, 12 तक जाना होगा जिसके वंश में 2 है। तो चलो करो जी, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 1 1 2 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 और 1 7, तो स्टूडेंट यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है जी। आप देख लीजिए भाई, इसमें से 9 में से 3 में से 9 माइनस नहीं होने का, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर से ले लेंगे, यहाँ 0 रहेगी है ना, तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 9 गए 4 बच गए, ओके स्टूडेंट यहाँ रहेगी थी 0, 0 में से 0 में से अब 7 माइनस करना तो होने का नहीं, तो 1 एक कैरी इधर से ले लो स्टूडेंट, यहाँ हो गए 10 है जी। अब स्टूडेंट 10 में से आपने 7 माइनस कर लिए, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो गई क्योंकि 1 इधर चला गया था है ना। तो अब स्टूडेंट इसमें से माइनस नहीं हो सकते, तो हम एक कैरी इधर से लेंगे, तो यहाँ हो गया 10 है ना स्टूडेंट, 10 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो स्टूडेंट यहाँ 5 आ जाएगा है ना भाई, इधर 10 हो गए कैरी इधर ले लिया 5 माइनस, अगर बीच वाले में से ब्लैंक है तो हम मैन्यूड में से डिफरेंस को माइनस करेंगे देखो है ना, अगर हमें सब ट्रेड निकालना तो हम क्या करेंगे, मैन्यूड में से डिफरेंस को माइनस करेंगे, ठीक है। 10 में से 5 गए 5 बच गए, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ 5 रह गए है ना। अब स्टूडेंट 5 में से 7 माइनस नहीं होने गए, तो एक कैरी आप इधर से यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ कितने हो गए जी 15, 15 में से 7 गए 8 आ गए, ठीक है। इतना देखो अपना आप ही आ रहा है ना। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, तो 7 और 8 कितने हो गए 15 और 1 कैरी, ओके स्टूडेंट। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 1 इधर चला गया था है ना, तो यहाँ कितने रह गए 4, और 4 में से 4 गए 0,
तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसे आप चेक कर सकते हैं कि ये कहीं रॉन्ग तो नहीं है। 9 और 4 13 कैरी 1 5 5 10 और 1 11 कैरी 1 और 7 1 8 8 8 16 कैरी 1 और जी 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1 और जी 0 और 4 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट, तो ये सही हो गया। ठीक है, करने के बाद इस तरह चेक कर लेते हैं अपने सवाल को। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 5.2 ये भी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट, ये जो कोर्स है, ये जो एक्सरसाइज है 5.2, ये FA2 की है। आने वाले जो पेपर होंगे वे इसमें से ही होंगे स्टूडेंट। तो आप इन्हें रोजाना अपनी रफ कॉपी पे करके देखें ताकि आने वाले समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।